Ready, go! Go, go, go! अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो अगेन एक अनबॉक्सिंग और प्रोडक्ट के रिव्यू के बारे में है। और ये जो प्रोडक्ट है ये पोर्ट्रोनिक्स का पावर बन है, एक्सटेंशन बॉक्स। आप इसे ये मैंने अमेजोन से ख़रीदा है और इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। मैं आपको अनबॉक्स करके बताती हूँ मैंने लिया क्या है। ये इसका कुछ इन्फॉर्मेशन अमेजोन ने दिया हुआ है। ये इसका कार्टन है, इसका बॉक्स है। पावर बन जो दिया हुआ है ये वो 3 USB+2 AC plug एंड अ सर्ज प्रोटेक्टर के अंदर हमें ये सारी ये चीज़ें मिलती हैं, जिसमें ये आपको बिल आया है अमेजोन का, बिल की इन्फॉर्मेशन है। ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। और प्लस ये जो है हमारा पावर बन है। मैंने इससे पहले काफ़ी पावर बन यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन मैं इसको भी तकरीबन अराउंड फॉर अ मंथ आई यूज्ड इट। एक महीने के बाद मैं यूज़ करने के बाद आपको इसलिए बताती हूँ ताकि एक ही वीडियो में आपको अनबॉक्स और रिव्यू दोनों बता सकूँ। ये जो मैंने ये फर्स्ट टाइम मैंने एक्सटेंशन बॉक्स को एसी का सर्किट दिया हुआ है, मतलब आप फ्रिज एसी जैसी हाई पावर वाली चीज़ों का इस्तेमाल इस एक्सटेंशन बॉक्स में कर सकते हैं। और प्लस 3 USB चार्जर दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये एक मोबाइल को रखने का, यू नो आप इसे इस तरीके से मोबाइल रख कर इसे चार्ज कर सकते हैं USB वायर के जरिए। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन मिला है मुझे। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है इसे ऑन एंड ऑफ करने का। और इसकी फीचर्स काफी अच्छे लगे हैं। इसकी जो वायर की लेंथ है वो भी सफिशियंट है। इसके कार्टन पे इसकी सारी फीचर्स दिए गए हैं। 2500 वोल्ट्स का इसका कैपेसिटी है। ये फीचर्स में उन्होंने दिया है, यू कैन फास्ट चार्ज एनी USB चार्जेबल डिवाइस लाइक स्मार्टफोन, टैब्स, पावर बैंक। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट योर होम, ऑफिस, किचन अप्लायंस ऑफ 10A। 1.5 कॉर्ड लेंथ इज सफिशियंट फॉर कन्वीनियंट एक्सेस टू वॉल सॉकेट। इनबिल्ट सर्ज प्रोटेक्शन हेल्प प्रोटेक्टिंग योर डिवाइसेस। हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल ग्रेड बॉडी प्रोवाइड्स योर ऑफ परफेक्ट ऑपरेशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब मैं इसकी प्राइसिंग की इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ। ये इसका जो MRP है वो 1299 है। आप इसके कार्टन पे चेक कर सकते हैं, लेकिन अमेजोन पे मुझे ये 799 रुपए में मिला है। आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट। अगर हम कुछ अच्छे ब्रांड्स और लेते हैं लाइक फिलिप्स के और जो इलेक्ट्रॉनिक अच्छे ब्रांड्स हैं, उसमें थोड़ा बहुत काफ़ी यू नो 1500 के रेंज में जा रहा था, पर ये जो रेंज वो काफ़ी अच्छा मिला है। अब मैं आती हूँ ये पार्ट पे। ये क्या दिया हुआ है, जैसे आप चाहें तो आप इसे इसको यहाँ पे एक स्पेस छोटा सा बनाया हुआ है, आप यहाँ पे इसको स्टिक कर सकते हैं। ये रबर के 4 पीसेस जो दिए हुए हैं, ये पावर बन के पीछे जो सर्कल स्पेस दिया हुआ है इसमें हमें इसको अटैच करना है। ग्रिप के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और ये 2-साइडेड स्टिकर है, वन साइड में प्लास्टिक है और अनदर साइड में पेपर है। तो जो प्लास्टिक वाला साइड है वो आप बन पावर बन के पीछे स्टिक कर दीजिए, और जो पेपर वाला साइड है उसको वॉल के लिए छोड़ दीजिए। अब ये पेपर निकाल कर मैंने दरअसल एक प्लास्टिक का बोर्ड है हमारे पास, जिस पे इसको चिपका कर चेक किया है कि ये अच्छे से स्टिक होता है कि नहीं। तो ये स्टिक तो हो गया इस बोर्ड पर, लेकिन इसकी इसमें एक ड्रॉबैक था, ये हार्डली 1 से 2 दिन रुका और उसके बाद वो खुद से गिर गया। तो ये आपका खुद का कॉल हो सकता है कि आपको ये स्टिकर यूज़ करना है या नहीं। That's it about this video. आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करिएगा। आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।